मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11, चैप्टर नंबर 10, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, एक्सरसाइज 10.4, एप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन ए रेस, किसी रेस में 7 रनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इन हाउ मैनी वे दे कैन विन फर्स्ट 3 प्राइज, पहले 3 प्राइज में कितने प्रकार से ले सकते हैं। तो टोटल रनर हमारे क्वेश्चन में 7 है और प्राइज कितनों को देना है हमें, 3 को। तो 7 में से 3 को अरेंज करना है, इस तरीके से देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे 7p3 इज इक्वल टू, 7p3 में फार्मूला लगाएंगे हम, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, npr फैक्टोरियल n / n - r। वैसे 7p3 में फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 7 को हमने एक्सपेंड करा, 7 6 5 4 कट हो गया, नीचे की 4 है, फैक्टर 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। 210 तरीके बनते हैं इनको प्राइस देने के। क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी वे 5 स्टूडेंट कैन बी अरेंज इन ए लाइन, 5 स्टूडेंट को किस प्रकार से एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब पहले रफ्तारी समझिए, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 ये हमारे 7 स्टूडेंट हैं, तो हमें 7 में से 7 ही लेने हैं, हमारे 5 स्टूडेंट हैं, हमें 5 में से 5 ही लेने हैं। तो 5 में से 5 लेने का तरीका होता है 5P5 का फार्मूला बोलना, फैक्टर 5 a वाला फार्मूला अपॉन फैक्टर 5 माइनस 5, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टर 5 को एक्सपेंड कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई 120। तो इसका आंसर आ गया 120। तरीके से हम 5 स्टूडेंट को एक लाइन में खड़े कर सकते हैं। इससे आगे क्वेश्चन आपको कल को बताए जाएंगे। थैंक यू।